गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 9 बज चुके हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सभी? हाई होम अच्छे ही होंगे। आज मैं वैसे तो फ्री हूँ, मील तो चल नहीं रही है, 2 दिन से फ्री हूँ। वैसे मैंने सोचा आज मानसून का थोड़ा ब्लॉक बना लूँ, ऐसे ही फ्री बैठा हूँ। दोस्तों टाइम मिलता नहीं है, कम काम का ज़्यादा है मील के अंदर। मील अभी सीजन चल रहा है ना, इसके चक्कर में ब्लॉक नहीं बना पा रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना, और कॉमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये तेल का टैंक है, इसका भी थोड़ा काम बाकी है, कलर वगैरह करवाना। हमारा न्यू ब्लॉक आ गया है। हम इस ब्लॉक में आपको हमारे राजस्थान में इस मानसून के बारे में बताएंगे। साल भर में जो भी बारिश होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर में होती है। जो 80% बारिश है ना, वो जून जुलाई के महीने में प्राप्त कर लेते हैं। पीछे भी काले घने बादल छाए हुए हैं, और ये जो आगे दिख रही है ना पेड़ पौधे, इसके बगल में से NH-62 गुजर रही है। पहले भी मैंने वीडियो में एक बार बता देता हूँ, अभी जो हमारा जो मानसून की जो बारिश होती है ना, ये हिंद महासागर अरब महासागर के लहर उठने और रिपाउन दरा से होती है। दिसंबर जनवरी माह में जो वर्षा होती है वो अल्ट्राटिक महासागर से उठने वाले रिपाउन दरा से, उसे हमारे यहाँ पे माउट कहते हैं। रात को खूब अच्छी तरीके बारिश हुई थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, गाय के लिए चारा बो रखा है। बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, बारिश में मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बारिश और तेज़ भी आने वाली है, क्योंकि ऊपर पूरे बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हो इधर मिस्त्री बैठा है, कुछ काम है नहीं, आराम से फोन चला रहा है। और ये देखो पूरे में बादल छाए हुए हैं। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ। बाहर निकल के मैं बता देता हूँ आपको कि बारिश कितनी अच्छी हो रही है। ये देखो पूरा फैक्ट्री में पानी पानी इकट्ठा हो गया है, कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ बारिश की वजह से। ये देखो पूरा पानी पानी भर गया है। हमारे स्थान में टिल्लों में भी पानी ठहरने, घास काटने वाली मशीन है यहाँ पे फैक्ट्री में लगी हुई, चेक कर रहा हूँ मैं, मोटर तो नहीं भीग गई होगी ना? नहीं, मोटर को लगा रखा है मैंने, पता सही है। रोड पे पानी पानी हो गया है, फैक्ट्री के बाहर हमारे पशु भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए बारिश से। ये देखो पूरा टूट गया है, ऊपर से पानी आता है यहाँ पे आके गिरता है, ये देखो पूरा टूट गया है दीवार के बगल से, ये भी टूट चुका है। ये देखो इसको सही करवाएंगे आज। ये पीछे जो दिख रही है ना फैक्ट्री, उसमें मैं जॉब करता हूँ, मैं भी नॉर्मल घर से ही हूँ। आप सपोर्ट करते रहिए। हमारा जो जितना भी एरिया लगता है ना, ये बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वगैरह, इसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा जो 1947 में जो बंटवारा था ना देश का, पाकिस्तान और इंडिया का, तब थार का मरुस्थल आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में रह गया। इंडिया में बचा था वो हमारे राजस्थान के हिस्से में आता है। बड़े बड़े रेत के टीले हैं, बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीकानेर शहर भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, मुख्य रूप से जंगल प्रदेश बीकानेर के पास में, उधर उस साइड पर नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे रेगिस्तान थार का मरुस्थल की तरह रेत के टीले होते हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ रहती हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिसको कम पानी चाहिए, कम पानी में पनप सकें। तो यहाँ पे कीकर के ये जो पीछे दिख रही है ना, ये बोटी, ये और सेमी वृक्ष, मतलब खेलडी वगैरह, ये कांटेदार झाड़ियाँ बनी रहती है। ये जो से पौधे होते हैं जिसको मतलब कम पानी की आवश्यकता रहती है। चाय बना रहे हैं, हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अपना प्यार देते रहिए। राम राम दोस्तों।